नमस्कार साथियों, और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। कलरों कक्षा चार पाठ दो प्यासी मैना, इस पाठ को पढ़ते हैं, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेकिन आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जितने भी पाठ कविताएँ पढ़ाएँ आप तक पहुँच जाएँ समय से। एक थी मैना, वह नीम के खोकल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था, बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में आती, दाना चुंगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी, मैना को जोर से प्यास लगी। नैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठी। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, चलो वहीं चलकर पानी पीते हैं। मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो था, लेकिन वह भी खाली था। उसके बाद क्या होता है, मैना और तोते ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। मैना ने कबूतर से पूछा, भाई पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला मकान है ना, उसके आंगन में रोज एक आदमी कपड़े धोता है, फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, चलो वहीं पानी पीते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जा पहुंचे, लेकिन कपड़े धोने वाला जा चुका था। फर्श की दरारों में पानी भी जमा जो था वो भी सूख चुका था। तोता परेशान होकर बोला, अब क्या करें? मैना बोली, मुझे तो जोर की प्यास लगी है। कबूतर बोला, चलो कहीं पानी ढूंढते हैं। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ चले। कुछ देर बाद वे एक पीपल के पेड़ पर उतरे। वहां बहुत सारी गौरैया बैठी थी, वह सब खूब मजे से चहक रही थी। चिरर चिरर जैसी आवाज कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला, गुटर गुटर गूं गुटर गूं। अरे गौरैया क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं। मैना आश्चर्य से बोली, नहा कर? तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? हमको तो पीने तक को पानी नहीं मिला। गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ। तभी उड़ते हुए एक मकान के आंगन में पहुंचे। आंगन में बहुत से गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। आसपास बहुत से हरे भरे पौधे भी उगे हुए थे। पौधों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कुंडा पानी से भरा हुआ रखा था। तोता उत्साह में बोला, अरे देखो उस कुंडे में पानी है, वहाँ हुद हुद पानी पी रहा है। कबूतर ने कहा, अरे वाह, वह तो वहाँ तो एक गिलहरी भी है। इस तरह बच्चों, मैना ने पूछा, ये कुंडा यहाँ किसने रखा? गौरैया ने बताया, कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देती है। मैना, तोता, कबूतर तीनों उड़कर कुंडे के किनारे जा बैठे और जी भरकर पानी पिया। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी का सार ये है, इस कहानी से शिक्षा ये है कि जो जीव जंतु होते हैं वो हम सभी पर निर्भर होते हैं। वैसे भी मनुष्य ने इस प्रकृति पर बहुत हद तक कब्जा कर लिया। जहाँ जंगल थे, जहाँ वन थे, वहाँ मकान बना लिए। अब उनको अपनी प्यास बुझाने के लिए दर दर भटकना पड़ता। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम गर्मियों के मौसम में उनको पानी के लिए प्यासा ना रहना पड़े। तो कम से कम हमें अपनी छत पर एक ऐसा बर्तन रखना चाहिए जहाँ पर वो अपनी प्यास बुझा सकें और उस पानी को समय समय पर बदलते भी रहें। तो चलिए इस प्रश्न के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। खोकल, पेड़ के तने का खोखला भाग। फर्श, जमीन, भूमि, दरार, चटकी हुई जगह। बगीचा, छोटा बाग बगीचा। अचरज, आश्चर्य। कुंडा, नांद या मटका। जोश, उत्साह। मैना क्यों परेशान थी? क्योंकि वो प्यासी थी। पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? जहाँ पर एक व्यक्ति कपड़े धोता था। कबूतर ने गुटरंगू गुटरंगू करके गौरैया से क्या पूछा? कि पूछा कि भाई यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसने कहा, मैं अभी नहा कर आ रही हूँ। कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहानी को दोबारा फिर सुने और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप अन्य कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कविता पढ़ना चाहते हैं, तो आप जरूर बताएं, हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए कुछ व्याकरण का भाग देखते हैं। पर्यायवाची शब्द, पानी, पक्षी, फूल। नीचे दिए गए संज्ञा के शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए।
जैसे सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़, तो ये शब्द विशेषण होते हैं। ऐसे वाक्यों की रचना कीजिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग। कम से कम बच्चों आपको ये तीन तीन पर्यायवाची, पानी, पक्षी और फूल के लिखने अपने बड़े भाई बहनों से पूछकर, नहीं तो फिर हम बताएंगे अगले वीडियो में। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।